आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। थाना सदर आगरा के एंट्र श्रीराम चौक पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। ऑटो और कार में टक्कर हुई, कई लोग हादसे में घायल हो गए। थाना सदर आगरा कैंट स्टेशन रोड स्थित श्रीराम चौक पर अक्सर हादसे होते हैं। कभी बड़ा हादसा होता है, कभी छोटा हादसा होता है। एक बार फिर हादसा हुआ, हादसा कार और ऑटो में हुआ। ऐसा बताया गया है कि आमने सामने की भिड़ंत हुई और ऑटो पलट गया, जिससे चीख पुकार मच गई, कई लोग घायल हो गए। दरअसल चौराहा उचित स्थान पर नहीं है, एक साइड में चौराहा बना हुआ है, जिसके चलते वाहन अपना संतुलन खो बैठते हैं। कई बार चौराहा उचित स्थान पर बनाए जाने की मांग की जा चुकी है, लेकिन इस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। ये कार वाला जो है कैंट स्टेशन की तरफ से आ रहा था, और ये ऑटो वाला जो है सदर की तरफ से आ रहा था। ये चौराहा श्रीराम चौक है, इस चौराहे पर दोनों की आमने सामने की भिड़ंत हो जाती है, जिसमें ऑटो पलट जाता है, उसमें सवारी जो है चुटल हो जाती है। उसके अंदर अक्सर इस चौराहे पर अक्सर हादसे होते रहते हैं, और कई बार वैसे मेरा मानना, कई लोगों ने कई बार कंप्लेंट भी की है चौराहे को सही तरीके से चौड़ा करने की, सेंटर में नहीं है, एक तरफ पूरा चौराहा एक तरफ। एक बार ट्रैक्टर से दो व्यक्ति खत्म हो गए थे। अक्सर मतलब साल में 4-6 घटनाएं ऐसी होती हैं इस चौराहे पर, लेकिन शासन का कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं है, और बहुत लोगों की जान जा चुकी है। कई लोगों की जान इस चौराहे पर जा चुकी है। जब तक चौराहा उचित स्थान पर नहीं बनाया जाता, हादसे इसी तरीके से होते रहेंगे, लोग घायल होते रहेंगे, लोगों की जानें भी जाती रहेंगी। कब ध्यान संबंधित विभागों का जाएगा, देखना होगा। राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।